26 जुलाई यानी आज पूरे देश सहित ग्वालियर में भी कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। ग्वालियर में मुख्य कार्यक्रम शहर के हृदय स्थल पर महाराजा बाड़े पर संपन्न हुआ। इस अवसर पर कारगिल युद्ध में शहीद 527 जवानों को पुष्प अर्पित किए गए। इस दौरान कार्यक्रम में एनसीसी की 3 MP यूनिट कंपू, 15 MP बटालियन, 8 MP बटालियन ने सूबेदार के नेतृत्व में पथ संचलन किया। कार्यक्रम में आर्मी के पाइप बैंड ने भी प्रस्तुति दी। साथ ही ब्रिगेडियर KDS सहादा के नेतृत्व में आर्मी के जवानों, शहर के गणमान्य नागरिकों सहित बड़ी संख्या में मौजूद स्कूली बच्चों ने अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यहां बता दें, कारगिल युद्ध के वीर शहीदों में ग्वालियर के लाडले सपूत सरमन सिंह भी शामिल हैं। गौरतलब है कि आज ही के दिन 21 साल पहले भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में कारगिल का युद्ध लड़ा गया था। ये युद्ध करीब 3 महीने तक चला था, जिसमें दोनों देशों के कई सैनिक मारे गए थे। ग्वालियर में ये कार्यक्रम शहीद सरमन सिंह शिक्षा प्रसार समिति के बैनर तले आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कारगिल युद्ध में शहादत देने वाले सभी जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। का उत्सव मना रहे हैं, उसका 25वां पुष्प 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती महोत्सव के रूप में आज यहाँ इस पर्व का आयोजन था। और इस आयोजन में केवल और केवल इन शहीदों से सीखने का संदेश इस नगर ग्वालियर ने लिया। हमारे वीर सपूतों ने जिस प्रकार से तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, जीवन को समर्पित कर दिया, आज उनकी प्रेरणा, उनका कृतित्व तो हमारे बीच में हमेशा जिंदा रहे। ऐसे अमर सपूतों को आज यहाँ याद करने का हम सब लोगों ने काम किया है। उनको श्रद्धा सुमन इस ग्वालियर के हृदय स्थल महाराज बाड़े से उनके चरणों में चढ़ाए हैं। शहीदों को पुष्प प्रज्वलित करने के बाद अभी मुझे सूचना मिली, मन बहुत व्यथित है कि हमारी पार्टी के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जी हमारे बीच नहीं रहे। जैसे आप सब जानते ही हैं कि आज हम इकट्ठे हो रखे हैं यहाँ पे कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष में। हमारे ही प्रांत के एक शहीद हैं जो इसी इलाके से हैं, खासकर उनकी और बाकी जितने भी देश की आहुति, देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे चुके, उनके लिए इकट्ठे हो रखे हैं। मेरा, जैसे मैंने अभी पहले बताया था, मेरा आग्रह यही रहेगा कि ये देश प्रेम की भावना सिर्फ कुछ दिन के लिए ही ना, हर एक व्यक्ति में, हर एक देशवासी में हर समय रहनी चाहिए।